नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आईएसआईएस भारत के लिए गंभीर खतरा, अमेरिका का अलर्ट। अमेरिका ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे, खासकर इस्लामिक स्टेट के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को लेकर अपने नागरिकों को भारत सहित विश्व भर में आतंकवाद से संबंधित यात्रा परामर्श जारी किया है। अपने परामर्श में अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन का उल्लेख किया है जो भारत के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। इसके अनुसार भारत लगातार आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों का अनुभव कर रहा है जो अमेरिकी नागरिकों को सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित कर सकता है। भारत में इस्लामिक आतंकवादी समूह जैसे कि हरकत उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा सहित पश्चिम विरोधी आतंकवादी समूह सक्रिय हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को रामेश्वरम में अंतिम विदाई। भारत ने अपने अनमोल रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को रामेश्वरम में नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हजारों की संख्या में मौजूद लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गृह नगर में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित लोग लगातार भारत माता की जय का उद्घोष करते रहे। डॉक्टर कलाम के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कई मंत्रिमंडल सहयोगी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य हस्तियां शामिल हुईं। मलेशियाई विमान का मलबा मिलने का दावा। वायु सुरक्षा जांचकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि हिंद महासागर में जिस विमान का मलबा पाया गया है वह बोइंग 777 के पंख के हिस्से जैसा है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार मलबे में पाया गया हिस्सा उसी विमान मॉडल का है जिस मॉडल का मलेशिया एयरलाइंस का विमान पिछले साल लापता हो गया था। नेपाल में भूस्खलन, 25 लोगों की मौत। नेपाल में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से गुरुवार को कई मकान ढह गए और 13 महिलाओं सहित कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लापता हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक काठमांडू से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल पोखरा के पास कास्की जिले में 19 लोग मारे गए। लुमले में भूस्खलन की घटना में 14 लोग लापता हो गए। इसी तरह जिले के भदौरे गाँव में हुए भूस्खलन में 2 महिलाओं सहित 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। न्यागदी जिला के मुना और मुदुनी गाँव में भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में एक बच्चे की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।